फ्रेंड्स, आज फिर हम निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। तो आज भी हिमाचल में कोई फंक्शन है बड़ी घर। कल पूर्णमासी है तो उन्होंने पूर्णमासी का व्रत मोखना है, आपको भी लेके चलेंगे वहाँ पे पूरे रीति रिवाज के साथ। हर एक जो भी रस्म होती है उसके हिसाब से व्रत मोखा जाता है। बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जैसे विवाह शादी होती है वैसे ही होता है। तो चलिए हमारे साथ दोस्तों। पहला स्टॉपेज हमारा आ गया हिमाचल में अंब के पास। तो अभी ये हम पहुंच गए हैं, वो हमें रिसीव करने के लिए मेरी सिस्टर आ गई है। हाँ जी, पैर पे नाई। वही जगह जहाँ हम पिछली बार आए थे। एक्चुअली हुंदा पता की है कि बह बह के भी ना एकदम चलिया नहीं जाता। ये हम अब घर में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद फिर हम चल पड़ेंगे। हैं? हाँ, तुलसी तुलसी है, अंब है, तो आधे से बड़ा कुछ लगा है अंब दे, हैं? कंधे अंब भी नहीं ना। ये लोगों घरों में आम लगाए हुए हैं, पूजा भी करते हैं। देखिए ये आम लटके हुए, ये इन्होंने घर में आम लगाए हुए हैं। बिट्टू भाव पा देंगा ना, बिट्टू भाव पा देंगा। सर दर्द अब दीदी के घर से आ गए हैं। दीदी के घर से निकल आए हैं, दीदी के घर से आ गए हैं जी। हम उन्होंने बहुत कंपेल किया कि यहाँ पे रुक जाओ, तो हमने सोचा कि नहीं चलो चलते हैं। अब सोचते हैं अब कहाँ रुकते हैं। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। अब सबसे पहले जो स्टेशन आएगा वो आएगा अंब, और उसके बाद फिर हम आगे आधे पौने घंटे का रास्ता है, हम तय करेंगे आगे का रास्ता जाएंगे। देखो कहाँ रुकते हैं, हमें अभी हमारा कोई पता नहीं कहाँ रुकते हैं। ओके जी, चलो पहुँच के बताते हैं कहाँ रुकते हैं। एंजॉय कीजिए, ड्राइव का मजा कुछ होगा। एंजॉय कीजिए, एंजॉय। पहाड़ी एरिया में और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अमृतसर में इतनी गर्मी होती है इस टाइम, गर्म हवा, गर्म हवा, पर यहाँ पे अब पहले तो गर्मी थी काफी, धूप थी काफी जब, पर अभी तो बहुत ठंडी हवा लग रही है। बहुत नहीं मतलब ठीक ठीक है, ठंडी हवा अच्छी है, एसी सी अच्छी है, इसलिए हमने खिड़कियां खोली हुई हैं। देखो बाहर की अंधेरा है, बाहर आपको नजर नहीं आएगा कुछ। दो दीवाने शहर में, रात या दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। दो दीवाने निकले हुए हैं, अब कोई खरौंदा मिल जाए। खरौंदा पिक्चर याद आ गई, ये खरौंदा पिक्चर मूवी का है ना, खरौंदा जरीना वहाब और अमोल पालेकर है ना, बहुत अच्छी पिक्चर है। और कोई रास्ते में ढाबा नहीं मिल रहा, खाना भी खाएंगे वहां पे, खाएंगे जो ढाबा चलता हो। मैंने तो ढाबे पे खाऊंगी, मैंने होटल में खाना नहीं, होटल में नहीं खाना हमने, ढाबे पे ही खाना है। दाल फुल्का खुद सामने बैठ के तड़का लगवाएंगे, जो सामने चीज बनती है और आपको पता होता है वो क्या बन रहा है। जो होटल में रेस्टोरेंट में बनता है आपको पता ही नहीं होता किचन में क्या बन के आपके सामने रख दिया गया, ये डिफरेंस है ढाबा और रेस्टोरेंट। तो प्रेफर याद है एक बार डोसे गए थे, हाँ, तो
दुनेरे के पास, दुनेरे के पास। अरे भाई तब तो ढाबा था, ढाबा था, हमने कितनी चपाती खा ली थी। तंदूरी चपातियां और दाल, दाल ली थी बस हमने, एक सिंपल दाल थी, भिंडी थी साथ में, है ना, भिंडी थी साथ, दाल भी थी मेरे ख्याल, दाल उससे बार बार ले रहे थे। हाँ दाल थी, चने की दाल थी, उसने तड़का लगाया था इतना अच्छा, और भिंडी, भिंडी की सब्जी, क्या सब्जी थी, और मजा आ गया खा के, पता नहीं हमने कितनी चपातियां खा ली थी तब, बहुत मजा आया था। सामने तड़का लगाया उसने, सिंपल ढाबा था, एकदम से सिंपल, सिंपल सा, हाँ बट मजा इतना आया ना। अब हम जाते हैं ना जब डलहौजी, तो रास्ते में वही ढाबा ढूंढते हैं कि वही मिल जाए। बुजुर्ग थे तो उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया कि मजा आ गया खाने का। अभी मेरे को उसका टेस्ट मुंह में आ रहा है, दाल का, दाल का और चपाती का, जो साथ में मिर्ची का अचार था, साथ में मिर्ची का अचार था ना, और भिंडी की सब्जी मुझे याद आ रही ताजी ताजी, उसने उसी टाइम बना के दी थी हमें। एक तो ढाबे का खाना पता क्या होता है, एक तो आपके सामने बनता है इसलिए आपको पता है कि ये कैसा बन रहा है, आप कुछ भी ऐड करवा सकते हो, कुछ कम करवा सकते हो कि भाई ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, वो चल जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि रेस्टोरेंट से सस्ता होता है खाना जो, राइट, और फ्रेश होता है, फ्रेश होता है। आपके सामने जो बोल देते हैं ना, हिमाचल में जल्दी बंद हो जाते हैं ना, हाँ 6:30-7 बजे लोग अपने घरों को चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी सी खाने पीने की दुकानें खुली मिलेंगी, अदरवाइज वो भी ये सड़क के किनारे, जो ये नेशनल हाईवे है, बहुत मजा आता है रात को गाड़ी देखिए कितनी बढ़िया सड़क है ना, बहुत मजा आ रहा है। ड्राइव ड्राइव तो ये कर रहे हैं बट मजा आ रहा है बैठ के। अब यहाँ दीदी ने हमें वो जहाँ पे हम रुके थे, उन्होंने मेरे सिर में दर्द थी तो उन्होंने कॉफी, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाना दे दी, तो उन्होंने इतनी अच्छी कॉफी बनाई कि मेरा सिर दर्द गायब हो गया। दीदी ने बहुत अच्छी दी मेरे को कॉफी पिलाई। ये ज्वार आया, हाँ ज्वार, देखो बताओ उनको ज्वार आया, ज्वार आ गया जी, ज्वार ज्वार आ गया। खाएगा खाना, गाड़ियाँ लगी हुई है, ढाबा है, देखो 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 सर देखो, तो पूछो इनसे खाना मिलेगा, पूछो आप। उतरे आप, उतर के पूछ के होगा, मैं नहीं उतरने वाली, अब ले जाओ। इसके पास अमूल आइसक्रीम भी है, ये है अंकू, अंकू दा ढाबा, पहले पूछ के होगा है खाना, ये है अंकू दा ढाबा, लंच डिनर लिखा हुआ है, ये लो पकड़ो जी, मैं देखता हूँ तो मैं पूछता हूँ, है चलो जाते हैं देखते हैं खाना। मच्छर वगैरह तो नहीं है ना यहाँ? नहीं नहीं मच्छर नहीं, तो बाहर ही बैठ जाते हैं खुले में, इधर बैठ जाओ आप, बाहर धूप उगती है। अच्छा 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 ठीक है ना, गाड़ियाँ चलती हैं। आपकी किचन कहाँ पे है, उधर है किचन आपकी, इधर किचन, इधर। अच्छा अच्छा ठीक है, इधर बैठ जाते हैं। ऑर्डर दे दिया? नहीं दिया अभी। क्या है आपके पास? दाल है, राजमा है, रायता है, घिया कोफ्ता है, भिंडी, आलू मटर है, मटर आते तो बताती हूँ आपको। चपाती कौन सी है? तवे वाली है, दूसरी नहीं है, तंदूरी। चलो कोई बात नहीं, ताजी बना के देते उसी टाइम। चलो दोस्तों आपको भी खाना खिलाते हैं साथ में। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने एपेटाइजर भेजा, सैलड भेजा, और ये देखिए ये खाते जा रहे हैं और मैं देखता जा रहा हूँ। और वीडियो में आपने नहीं खाना? ठीक है जी, तो ये मेरे चलो खा लो, अभी बाकी का सामान आ रहा है। ये इनकी रसोई है, स्पेशियस कितनी जगह, तो अभी आपको खाने का बताते हैं कि खाना कैसा है इनका, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ये वो ढाबा। लो जी आ गया खाना, चने की दाल, भिंडी, देखो जरा चपाती, साथ में शर्मा तो जी सर्व कर रहे हैं, दोनों ही एक में शर्मा जी सर्व कर रहे हैं, सुने
दोनों नहीं खानी तो दोनों एक में खा लेते हैं। नहीं जी, मेरे को कटोरी में तो आप ज्यादा खा लेते हो। अच्छा जी, हाँ तो फिर ये हमेशा ऐसे करते हैं, आप ज्यादा खा लेते हैं फिर मेरे लिए बचता नहीं, इसलिए मैं अलग से लूंगी, अलग से खाऊंगी। दिस इज नॉट फेयर। अभी खाना खा के बताते कैसे है। देखो अभी बोल रही है कि आप ज्यादा खा लेते हो, अभी एक सेकंड सैलड की प्लेट बताना, मैंने अभी हाथ पे नहीं लगाया सैलड। तो ये देखो ये किसने खाया, शर्मा जी ने। आप बोल सकते हो। अब मैं खा के बताती हूँ कैसा है। और ये मैं ले लेता हूँ, देखो मेरी ज्यादा नहीं, नहीं मैं ये ज्यादा वाली बात कोई बात नहीं है। चलाक, आप चलाक, ले सकते चलाक के, चलाक के। आप ये चपाती दो, बिना बटर के चपाती दी है इन्होंने, ये खाते ऐसे हैं, मेरे को भी ऐसे खानी पड़ती है। रुखी सुखी खा गोपाला, ठंडा पानी पी, देख बका पराई चौपड़ी मत लल जाए जी। कैसा, बढ़िया दार भिंडी खा के बताओ। अच्छी दाल, इनके मुंह से पता चलेगा कैसा टेस्ट है। अच्छा बढ़िया बढ़िया, पास हो गया अंकू का डब्बा। चलो दोस्तों आप भी खाइए खाना हमारे साथ, खाना खा के फिर बताते हैं आपको हम कहाँ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, खाना बढ़िया बढ़िया है खाना। चलो जी मैडम, अचार सबसे बढ़िया, वो तो आपने डाला ही नहीं है, अचार के बिना कैसे। नींबू का अचार है जी, मिक्स है। जो हम याद कर रहे थे ना दोस्तों के पर जो टेस्ट वहाँ पे था ना ये टेस्ट नहीं है। वो दाल भी अलग से थी यार, वो दाल वो ये वो दाल थी। और एक चीज और है कि आप किसी भी चीज को ना ये कह के ये नहीं हम कह सकते कि वो बढ़िया था ये बढ़िया था, वो उसकी अपनी जगह है, ये हमारे इसकी अपनी जगह। वो भिंडी बड़ी अच्छी थी, ग्रीन ग्रीन और एकदम से फ्रेश। चलो ठीक है दोस्तों, अब खाना खाते हैं, बाद में मिलते कहाँ ठहरते हैं। फिनिश हो गया जी खाना। तो दोस्तों खाना खा लिया अभी हमने, अब हम जा रहे हैं इस तरफ, देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो अभी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ होटल मिलता हमें, फिर वहीं पर स्टे करेंगे। ओके दोस्त चल चले जी है। देखो यहाँ पे मिलता रूम के नहीं, पूछा आपने। ये है होटल हिमसागर, ढाबा एंड रेस्टोरेंट और रूम्स भी हैं इनके पास। तो अभी जो मैनेजर है रूम्स का वो भी यहाँ पे नहीं है, तो ये मैडम यहाँ पे झूले ले रही हैं। आप झूले ले रहे हो, झूले ले रहे हो। और ये सामने डॉक्टर, मोबाइल नहीं मिला, रूम नहीं मिला। रूम नहीं मिला, अब हम भटक रहे हैं, अब देखो कहाँ चलते हैं। आगे है रक्कड़, चलो जी अंधेरे में। चाचा जी खड़े ऊपर से बन्नी थे, और चल जी गए। लो जी हम चाचा जी के घर ही आ गए, वो चाचा जी दीवार पे खड़े हुए थे, हमने सोचा सो गए होंगे वो, बट वो खड़े हुए थे। नमस्ते चाचा जी। वो आने आने वो आ रहे ना, कुतू थे वो थे शिबू, शिबू भी आ गए ही। अच्छा जो तेरे आने ने आने वाले वो आने सामान इकट्ठा कराना। अच्छा 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 अच्छा, मैं गड्डी लावा साइड से।
ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਅਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਅਈ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉੱਥੇ तो दोस्तों यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट कि हम फाइनली चाचा जी के घर पहुंच गए हैं और अब रेस्ट कर रहे हैं सोने लगे हैं ये जल्दी सो जाते हैं लेकिन 11:11 ये देखिए तो वैसे 11:11 हो गए हैं तो हम भी सोते हैं यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एच शर्मा ब्लॉग थैंक यू तो thank कल you. की यात्रा फिर से शुरू होगी कल का जो भी प्रोग्राम होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कल भी हमारे साथ रहिए थैंक यू